की बातें बताई जाती हैं, उन्हें जीने का सलीका सिखाया जाता है, लेकिन जब शिक्षा का मंदिर ही अश्लील डांस का अड्डा बन जाए तो आप क्या कहेंगे? हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते हैं। बलिया से खास रिपोर्ट हमारी, देखिए। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये एक ही जगह की है, जहां एक तरफ शिक्षा के मंदिर में बार बालाएं जमकर ठुमके लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल परिसर में बच्चों की पढ़ाई चल रही है। इसे देखकर आप सोच ही सकते हैं कि स्कूल परिसर में बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं, वहीं उस शिक्षा के मंदिर को अश्लील डांस का मंच बना दिया गया है। ये मामला यूपी के बलिया का है, जहां एक प्राथमिक स्कूल परिसर में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान राजेश कुमार पांडे और सपा नेता रविशंकर ने शिरकत की। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए ठुमके लगाने वाली बार बालाओं को बुलाया गया और साथ ही बार बालाओं के डांस पर जमकर पैसे भी लुटाए गए। जब इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी से सवाल किए गए तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है मुझे कि इस प्रकार का कंबल वितरण कार्यक्रम में जो है शोर शराबे के बीच ही पठन पाठन चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ाई के दौरान। और ये आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है, मैं तत्काल अभिखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर रहा हूँ कि इसकी जाँच करके और एक रिपोर्ट दें जो है कि इसके लिए जो है जिम्मेदार कौन है। वहीं इस कार्यक्रम में सपा नेता रमाशंकर भी पहुंचे थे, उन्होंने इस बारे में सीधा इनकार कर दिया। विद्यालय तो मेरे समझ से और इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन विद्यालय 1 बजे तक चला है और कार्यक्रम 1 बजे के बाद हुआ है और विद्यालय के प्रांग विद्यालय भवन के में नहीं हुआ है बल्कि विद्यालय के ग्राउंड में। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि विद्यालय में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के दौरान ही बार बालाओं का अश्लील डांस हो रहा था। अब सोचना है कि स्कूल परिसर में अगर ऐसे डांस होते रहे तो बच्चों का भविष्य क्या बनेगा। भारत समाचार के लिए बलिया से सर्वेंद्र विक्रम की रिपोर्ट। अब खबर अमरोहा से है, जहां सरकारी स्कूल अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है।